सत्कारयोग सात संगत जी निम्रता सहित अंग दे विच हिस्सा लिया। एसटीपीसी दा कानून बनिया, उहदे इलैक्शन हरेक पांच साल दे बाद होने चाहिए है। हुण 15 साल हो गए है उहदे इलैक्शन ही नहीं, हुकूमत दिल्ली नहीं, हुकूमत दिल्ली दी करा रही। फिर गदी गेड़े दे विच पाई जांदे है, किसानां दे मसले है, MSP दी गल है। इत्थे पप्पू जी ने मूंगी दी दाल दी गल कीती है, तुसी सारे ने हथ खड़े कीते है कि सानू MSP नहीं मिली। ते किसानां दा मोर्चा पूरा साल चलदा रहा कि असी उस साल दे विच होर कम करके अपनी खेती ते अपनी मजदूरी नूं वधा नहीं सी सकदे। सो इहो जिहे कम्मां दे विच सानूं उलझा दित्ता है। पाणियां दा मसला आ गया, सुखबीर सिंह कहिंदा है कि जे एक बूंद भी पानी दी हरियाणे नूं देती सुखबीर सिंह ते बादल ने अपने राज दे विच बरगाड़ी विखे गुरु ग्रंथ साहब दियां बेदबियां सौदे साध तुकराईयां। अगले पिंड दो कोट कपूरे दे विच गोली चलाई सिखां दे उत्ते, और साध संगत जी 328 बीड़ा महाराज दियां SCPC ने बेचतियां जां गुम करतियां, सानू उस दा नहीं पता। फिर इहदा मतलब है कि असी इह चक्कर दे विच पई रहीए और अपनी आजादी दी गल नूं ना करिए। सुखबीर सिंह कहिंदा है पानी दा तुक्का जे हरियाणे नूं चलिया गया मैं शहादत दे देनी है। सुखबीर सिंह जी तुहाडी शहादत देनी, इस दुनिया ते रहना इक्को गल है, सानू कोई फर्क नहीं पैना तुहाडी शहादत दा। क्यों करके सारे काम तुसी ते तुहाडे बापू जी ने, बादल दलिया ने, कांग्रेसिया ने ते BJP ने कीते है। तुसी मैनू फतवा दिता आम पार्टी हुणे जित्ती सी, उहदा चीफ मिनिस्टर मैंबर पार्लीमेंट से, उहदी जगह तुसी मैनू वोट पा के जिताता। ये अनोखी गल कीती है कि 4-5 महीने पहला एक सरकार बनी होवे उहदा चीफ मिनिस्टर हरा देना, उहदे MLA हरा देने, BJP कांग्रेस ते दूजियां पार्टियां बादल दलियां दियां जमानतां रद्द करा देनियां, ये बहुत वड्डी गल है। जदों मैं पार्लीमेंट दे विच गया तुहाडे हुक्म ते दे नाल मेरे नाल बहुत ज़्यादा MP खुश हो के मिले कि आम आदमी तो साढ़े उत्ते भी चढ़ती जाती है। हरियाणे च, गुजरात दे विच, हिमाचल दे विच, ते तू सिमरनजीत सिंह इस नूं हराता है।
असी तेरा बहुत शुक्रिया करते हैं। उन्हां नूं खुशी तो बहुत हुई कि मैं आम आदमी पार्टी की सरकार नूं हराया, पर जो उन्हां नूं पता लग्या कि सिमरनजीत सिंह मान दा चेहरा तो जरूर है जिसने आम पार्टी नूं हराता, पर जिहड़ा दूजा चेहरा है आजादी ते खालिस्तान दा, जदों उन्हां दे दिमाग नूं पता लग्गिया कि ये तो खालिस्तानी जिता के असी इत्थे ले आंदा, फिर उन्हां दे चेहरे डुब गए, खुशी बहुत होई। तो मेरा है कि सिख कित्थे है, पर छोटे छोटे कम्मां दे विच सानू उलझा के रखता है, ते अपने इस चक्कर दे विचों निकल के एको चीज मन दे विच कहनी है, जरूर जो कि असी सोचते नहीं कि असी आजाद होइए, आजादी दे नाल साडे बॉर्डर पाकिस्तान दे नाल खुलणगे। अज पाकिस्तान दे विच कणक की घाट है, आपां अपनी कणक नूं बासमती नूं क्यों नहीं पाकिस्तान राख दियां मंडियां दे विच लेके जा सकदे। साढ़े 40,000 नौजवान बेरोजगार हैं, साडा एक किता सब बेचिए, उत्थों वापस लेके आइए, जिहड़े साडे वपारी हैं साडे हिंदू वीर वो भी खट्टन, ते साडे विच खुशहाली आवे। पर साडे कई लोगों नूं कहा जांदा है कि पाकिस्तान का जे बॉर्डर खोलता आतंकवादी आ जाएंगे, आतंकवादी तो सानू समझते हैं दिल्ली वाले, होर किहड़े है उन्हां दी औलाद अज चीन दी फौज दे विच भर्ती हुई है, दादे नानिया ने छोले खा के गुजारा किया कि उहदा मुकाबला ये दूजे लोग कर सकणगे। जदों ऐतकी 2020 दे विच चीन की फौज फिर लद्दाख दे विच वड़ गई, फिर मोदी ते बीजेपी ने की किया, सिखां दीआं फौजां भेजियां, जदों सिख फौज युद्ध दे विच उतरदी है उन्हां दे अगे एक सिंह निशान साहब चकदा, उहदे पिछे गुरु ग्रंथ साहब राजे हुंदे है एक सिख दे सिर दे उत्ते। उस तो बाद सिख फौज मार्च करती है, जदों चीनियां ने देख लिया कि सिख फौजां आ गई हैं तो उत्थे दम छड़ के अगे नहीं वध सके। इस तरह पाकिस्तान का जिहड़ा मुसलमान है, पाकिस्तान का बलोच है, पाकिस्तान का पठान है, ये बड़े तकड़े योधे है कि ये बीजेपी के भइए चीन ते पाकिस्तान की फौज का मुकाबला कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल 1965 दे विच दी लड़ाई पाकिस्तान दे नाल होई, पाकिस्तान अगे वध रहा सी,
ते जिहड़े हिंदुस्तान दे दूजे गैर पंजाब तो फौज सी वह अपनियां तोपां ते अपनी दूजा लड़ाई का समान छड़ के पिछे पैड़ियां ते कमादां च वड़ गए। फिर किसानां ने तुसी अपने ट्रैक्टर कढ के वो तोपां वापस लियांदियां। जे एक सिख सिपाही भी है योधा भी है फिर उहदी भर्ती रोक के कि मोदी सरकार अपने पैरां ते कुहाड़ी नहीं मार रही, ये सोचण दी गल है कि तुसी मुकाबला नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान दे नाल कर सकते हो ना चीन दे खिलाफ कर सकते हो। तुसी सिर्फ मतसवपुणा छड के राज कर रहे हो, जिहड़े बलात्कारी है जिन्होंने कतल किए है उन्होंने 15 अगस्त को रिहा कर देना, लोगों को की सुनिया जा रहा है कि जिहड़ी हिंदुत्वा दे लोग है वो जिन्ना मर्जी बलात्कार कर दे जिन्ने मर्जी कतल कर दे उन्होंने हिंदुत्वा दी सरकार छट देगी, ये सुनेहा मिले। जेड़ी आदमिया ने बीबी बानो मुसलमान ते बलात्कार किते सी उहदे रिश्तेदार मार दिते सी वो कातलां नूं मोदी ने 15 अगस्त नूं रिहा करता है, वो हुण बीबी बानो दे गवांढ आ गए है। हुण बीबी बानो अपने घर चों बाहर किवें निकलूगी कि बलात्कारी भी उन्हूं दिखणगे ते अपने रिश्तेदारां दे कातल भी दिखणगे। जदों इन्हां बदमाशां ने बीबी बानो दे उत्ते हमला किया, उहदी 7 सालां दी धी सी उह डर गई, जिहड़ी भीड़ उहदे वल आ गई सी उहने अपनी माँ नूं जफ्फी पाली लत्तां तों। सात संगत जी ये भीड़ ने वो छोटी मायूस लड़की दे वट्टे मार मार के सिर भी पाड़ता। हुण साडे रंगरेटे सिखां दा की हाल है, इन्हां दी तरक्की कदों होगी, कदों इन्हां दे लई चंगे स्कूल खुलणगे। आपां सारे पिंडां च रहिंदे हां, वेड़े असीं देखे है, इक कमरा है ते जे जवाई ते धी आ जे वह भी उसे कमरे च, जे मुंडा विआया जाए वह ते उहदी वोटी उसे कमरे च, शीतल ठंड पै जे ते डंगर बच्छा भी उसे कमरे च। कि 75 साल हो गए कहिंदे आजादी है, ये कोई साध संगत जी आजादी है गरीबों के लिए, इन्हां तो राज सानू खोना पऊगा, राज की गल करनी पऊगी, एवं इधर उधर दियाँ। सुखबीर सिंह कहिंदा मैं शहीद हो जूंगा, दसो पहला तो होया ना जो गुरु महाराज की बेअदबियां करा दियाँ, 328 महाराज के सरूप बेच दे जां गुमराह करते पता नहीं की कीता। हुण 15 तरीक नूं
अपनी पार्टी अमृतसर दरबार साहब के सामने एक बहुत वड्डा मजारा कर रही है कि 11 साल तो साड़ी सिखां दी बैठक SCPC दे इलेक्शन नहीं होए, वो इलेक्शन कराइए, अपनी ताकत ये बादल दलियां तो खोइए और SCPC नूं सवारीए। उत्थे हुण महंत ठग उन्होंने कब्जे कर लिए गुरुद्वारियां ते, 15 सितंबर नूं आप जी नूं मैं बेनती करदा हिंदू मुसलमान सिखां नूं कि तुसी उत्थे जरूर पहुंचना। मैं बहुत ऋणी हाँ हरदेव सिंह पप्पू जी का, करनैल सिंह नारीके साहब का, बहादुर सिंह जी का, गुरनैब सिंह जी का, जसवंत सिंह चीमा का, सुरजीत सिंह रायकोट का, प्रीतम सिंह मानगढ़ साहब का, जसवीर सिंह का, बीबी गगनदीप कौर जेड़े साडे दखे दे जथेदार है, बीबी कमलजीत कौर ते साडे बहुत उच्चे ते वड्डे वकील सरदार राजदेव सिंह जेड़े तुहाडे MP मेरे पहलो रहे है। कोई भी दुख होवे वकालत दा इन्हां दे कोले तुसी जा सकदे हो, बेशक हाई कोर्ट दा होवे सुप्रीम कोर्ट दा होवे ए तुहानू पूरी पक्की राय दे सकदी है। हुण संगरूर दे विच PGI खुल गई है, संगरूर दे विच कैंसर दा हस्पताल खुल गया है, हुण तुहानू CMC DMC जाण दी लोड़ नहीं है। कोई तकलीफ होवे साडे जथेदार कट्टू जी आ सारे जिन्हां दे नाल लए है तुसी हुण उत्थे तकलीफ दे समय जाणा है। कोई लुधियाणे, कोई चंडीगढ़, कोई बठिंडे, कोई राजस्थान जाण दी हुण आपां नूं लोड़ नहीं है। सो मैं आस करदा कि जिहड़ा पहला काम मैं कीता सी जदों तुसीं MP बनाए सी उदों संगरूर दी PGI दा नींह पत्थर मैं रखता सी। मेरे तों बाद जिहड़ा शुक्ला साहब नहीं सिंगला साहब जिहड़े MP बने उन्होंने फिर पूरा करता PGI, अज तुहाडे संगरूर दे विच हैगी है, सरकारी हस्पताल है, वड्डे वड्डे माहर ने, कैंसर होवे तां तुसीं तां वी संगरूर दे कैंसर हस्पताल च जा सकदे हो। होर बाकी दी कड़ी तकलीफ होवे मैनूं दस सकदे हो, मैं हमेशा तुहाडे नाल हां, किसे दे उत्ते रोक नहीं। और आस करदा कि तुहाडी सरकार जिहड़ी आजादी ले के दूगी खालिस्तान उस नूं अगे ले के आ के हुण आपां फतेह करिए मोर्चे नूं। इन्हां शब्दां दे नाल आप तो हुक्म मंगदा है, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग सात संगत जी, निम्रता सहित संग दे विच हिस्सा लिया। SCPC दा कानून बनिया, उहदे इलेक्शन हरेक 5 साल दे बाद होने चाहिए है। हुण 15 साल हो गए है